आज हम बना रहे हैं काली मिर्च वाली पूड़ी। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। उसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल मोयन के लिए। अब हम इसको पानी की सहायता से अच्छा कड़क गूंथ लेंगे। इस तरह हम आटा सान लेंगे। अब थोड़ा सा तेल लगा के रख देंगे। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बना देंगे। हमने लोई बना ली है, अब हम इसकी पूड़ी बनाना चालू करेंगे। इस तरह करके हम सारी पूड़ियाँ बेल देंगे। हमने इसमें देखिए आटा नहीं लगाया है, इसमें मोयन डला हुआ है, उसी के इस कारण ये अपने आप बेल जाता है। तेल गरम हो गया है, हम इस तरह इस पूड़ी को तलेंगे। इस तरह देखिए गरम गरम तेल में पूरी अच्छे से फूल रही है। इसी तरह हम बाकी पूड़ियाँ भी तल देंगे एक एक करके। इसके लिए तेल अच्छा गरम होना, नहीं तो पूड़ी नहीं फूलती है। और उसको झारे से हल्के हाथ से करना है हमें, ताकि पूड़ी फूले। और अगर हम बहुत फास्ट हाथों से करेंगे तो पूड़ी फटने का डर रहता है। ये आपकी एक पूड़ी अच्छे से तैयार हो गई। इसी तरह हम सभी पूड़ियों को तल लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी तैयार है। आप इसे आलू मटर की सब्जी के साथ, दाल के साथ, चाहे जिस तरह से आप इसको खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरी ये पूड़ी कैसी लगी, बनाइए, खाइए और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। कृपया लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।